अध्यक्ष महोदय, मालेगांव प्राइवेट बिजली कंपनी 2019 में मालेगांव आई है और मालेगांव आने के बाद मालेगांव को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मूलभूत सुविधा के लिए जो एग्रीमेंट था आज तक उसको उसने पूरा नहीं किया है। मैं आपकी बात के खिलाफ नहीं जाऊंगा। एमएससीबी बोर्ड ने एमईआरसी के अंदर जो पूरे महाराष्ट्र में 67,400 करोड़ रुपए का खसारा बता करके पूरे महाराष्ट्र के तमाम बिजली कंज्यूमरों से 2.55 रुपया पर यूनिट इजाफी बिल डिमांड की है। आपका ऐसा कहना है कि वो 10% या 12% है, और ऐसा होता है कि तोप का लाइसेंस मांगा जाए तो फिर उसको रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दिया जाता है, लेकिन मैं आपके बात के खिलाफ नहीं जा रहा हूं। हमारी जानकारी ऐसी है कि 37% की उन्होंने डिमांड की है, और जो कारण उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में जो बिजली जाई हुई है उसकी वजह से नुकसान हुआ है। सर, मेरा आपसे ये कहना है कि कोरोना काल सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं था, पूरे देश के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए था। आंध्र के अंदर इंडस्ट्रियल को 1,000 यूनिट जो है बिजली फ्री दी जा रही है। दिल्ली और पंजाब सरकार जो है घर गोती वालों के 300 यूनिट जो है फ्री दे रही है, उनको नुकसान नहीं है। महाराष्ट्र सरकार एमएससीबी बोर्ड अगर इस तरह अपना नुकसान बता रही है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये नुकसान कैसे। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो 37% के इजाफी बिल की डिमांड की है, अगर ये बात सही हो तो मेरी आपके माध्यम से जो है मंत्री जी से ये डिमांड है कि इसे हटाया जाए और इसे खत्म किया जाए। ये जो नुकसान कोरोना काल में हुआ है, अगर ये इजाफी बिल लगाया जाएगा तो फिर और भी ज्यादा लोगों को नुकसान होगा। मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह की इजाफी बिल को खत्म किया जाए। धन्यवाद। पुनः सांगतो की 37% मागणी केलेली नाही आणि जी आपली भावना आहे ती सभागृहाची भावना आहे, तीच राज्याची भावना आहे, आणि म्हणूनच राज्य सरकारच्या वतीने देखील आम्ही एमईआरसी कडे म्हणणं मांडतोय आणि या ठिकाणी जी काही वाढ आहे ती मोठ्या प्रमाणात होऊ नये, लोकांवर त्याचा भुर्दंड पडू नये या दृष्टीने आमचा देखील प्रयत्न आहे। लास्ट टर्मचे एक शेवट